धर्मवीर भारती द्वारा लिखित कविता कनुप्रिया के इस अध्याय जिसका नाम है शब्द अर्थहीन। आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि कनु की जो प्रेमिका है वो कनु से यानी कृष्ण से क्या कहती है। कहती है, पर इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे कनु? शब्द 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 मेरे लिए सब अर्थहीन है। यदि वे मेरे पास बैठकर मेरे रुखे कुंतरों में उंगलियां उलझाए हुए तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते। शब्द 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 कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व मैंने भी गली गली सुने हैं। ये शब्द अर्जुन ने इनमें चाहे कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाते प्रिय। सिर्फ राह में ठिठक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूं जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। तुम्हारा सांवरा लहराता हुआ जिस तुम्हारी किंचित मुड़ी हुई शंख ग्रीवा तुम्हारी उठी हुई चंदन बाहें तुम्हारी अपने में डूबी हुई अधखुली दृष्टि धीरे धीरे हिलते हुए तुम्हारे जादू भरे होंठ। मैं कल्पना करती हूं कि अर्जुन की जगह मैं हूं और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूं और समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है। लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और सेनाएं स्तब्ध खड़ी हैं और इतिहास स्थगित हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो। कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। मैं इन सब के परे अपलक तुम्हें देख रही हूं, हर शब्द को अंजलि बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूं और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धधका रहा है और तुम्हारे जादू भरे होठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप शब्द झर रहे हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद। कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व मुझ तक आते आते सब बदल गए हैं और मुझे सुन पड़ता है केवल राधन 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 राधन। शब्द 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 तुम्हारे शब्द अगणित हैं कनु, संख्यातीत, पर उनका अर्थ मात्र एक है, मैं केवल मैं। फिर उन शब्दों से मुझे को इतिहास कैसे समझाओगे कनु? ये था शब्द अर्थहीन।